हेलो गाइज, तो फिल्म फंडोस के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। गाइज, जो है बॉलीवुड से कुछ नई और चुनिंदा खबरें आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूं। और गाइज, जो है ये खबर तो बहुत ही हैरतअंगेज है और आपको जानकर शायद शॉक भी लग जाए। तो गाइज, जो है क्या है खबर मैं आपको बताऊँ, उससे पहले चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज, जो है सबसे पहली खबर जो है ये जो खबर आ रही है, इस खबर के जो जन्मदाता है यानी कि जो है इस खबर को जो है मार्केट में आने के का रीजन, जो असली वजह है वो है दीपिका पादुकोण। जी हाँ गाइस, उन्होंने कॉफी उत्करण में जाकर ऐसा तहलका मचाया, ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके कारण जो है बहुत से जो है एक्टर हैं उनकी पत्नियां डरी हुई है और उन्होंने साफ साफ जो है कह दिया है कि दीपिका के साथ तुम्हें काम नहीं करना है। तो गाइस, जो है ऐसी खबर शाहरुख खान और गौरी खान के बीच में जो है ये जो है कुछ नोकझोंक हुआ है इसी को लेकर, क्योंकि जो है शाहरुख खान की बहुत सारी जो है ज़्यादातर फिल्मों में जो है दीपिका ही होती है और इसे लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गौरी और शाहरुख खान के बीच में नोकझोंक हुआ है, झगड़ा हुआ है और फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया है कि शाहरुख खान ने फाइनली कह दिया है कि जो है अब मैं किसी दीपिका के साथ किसी भी फिल्म में जो है काम नहीं करूँगा। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरी ये खबर आ रही है कि रणवीर ने भी जो है रणवीर की पत्नी जो आलिया है उसने भी जो है रणवीर को जो है डांट लगा दिया है और उन्होंने भी कहा कि जो आपको भी जो है दीपिका के साथ जो है काम नहीं करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल भी जो है बोल ही दी होगी कि जो आपको भी जो है नहीं काम करना होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो सब लोग डरे हुए हैं, यानी कि जो भी बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी पत्नियां डरी हुई है और ये बोल रही है कि जो है आपको किसी मतलब दीपिका के साथ जो है काम नहीं करना है। तो भाई साहब, जो है इसीलिए कहा जाता है अगर आप कुछ बोलते हो तो समझकर बोला करो ताकि जो है उससे जो है पब्लिक या किसी के ऊपर जो है निगेटिविटी न फैले, उसके अंदर जो है निगेटिव जो है विचार आपके प्रति न आए। जैसा कि आप देख रहे हैं दीपिका ने एक जो है जो कॉफी विद करण में जाकर बोला है इसे जो है पूरी तरह से जो है कीचड़ फैलाकर रख दिया है। तो देखते हैं आगे आगे क्या और भी ऐसी कोई खबरें आती है, क्या किसी का जो है डिवोर्स वगैरह होता है या फिर जो है मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा। तो फिलहाल का इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।